जीएनएम करने के बाद डॉक्टर कैसे बनते हैं? दोस्तों, जीएनएम का कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ना कि डिग्री कोर्स। और इस कोर्स को करने के बाद नौकरी तो जल्दी से मिल जाती है, लेकिन उसमें वेतन इतना अच्छा खासा नहीं मिल पाता। जीएनएम नर्स को ज्यादा से ज्यादा 15,000 से 20,000 रुपए महीना वेतन मिल पाता है। लेकिन अगर ऐसे में कैंडिडेट जीएनएम के बाद एक अच्छा सा कोर्स करके डॉक्टर बन जाते हैं, तो उसमें नौकरी के बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं और वो हर महीना लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो ऐसे में जीएनएम के बाद कौन सा कोर्स करना होगा, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना खर्चा आएगा, सभी कुछ बताएंगे। बस आपको इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साफ कर दूं कि जीएनएम का कोर्स तो आपने अब कर लिया, लेकिन जीएनएम के बाद अब डॉक्टर बनने में आपका पैसा, समय और मेहनत तीनों लगने वाली है। ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। अब डॉक्टर बनने में आपकी जीएनएम की डिग्री कहीं नहीं पूछी जाएगी, सब कुछ 12th बेस पर होगा। जी हाँ, जीएनएम में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगा, लेकिन जीएनएम की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आप तीन तरीकों से डॉक्टर बन सकते हैं। चलिए एक एक करके सभी तरीकों के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला तरीका है कि आप पहले बीएससी नर्सिंग करें, उसके बाद एमएससी नर्सिंग और फिर बाद में पीएचडी नर्सिंग करके इस तरह से आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको 9 से 10 साल लग जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, एमएससी नर्सिंग 2 साल का और फिर पीएचडी में लगभग 4 से 6 साल तो लग ही जाते हैं। और इस तरह इस प्रक्रिया में डॉक्टर बनने में आपके 9 से 10 साल तो आराम से लग जाएंगे। और इसमें अगर आप इन कोर्स को प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो 10 से 12 लाख रुपए का आपका खर्चा आ जाएगा। यहीं अगर सरकारी कॉलेज से आप इन्हें करेंगे तो लगभग 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा तो आपका आ ही जाएगा। इसके लिए आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 50% नंबर होने जरूरी है। तो इस तरीके से आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब दूसरा तरीका जान लीजिए, इसमें आपको फार्मा डी करना होगा, जिसमें 12th बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। फार्मा डी 6 साल का कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप डॉक्टर बन सकते हैं और इसमें भी आपके लगभग 9 से 10 साल लग जाएंगे और जिसमें लगभग 9 से 10 लाख रुपए का खर्चा आपका आ जाएगा। तो इन तरीकों से आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका है, उसमें आप डायरेक्ट किसी भी चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। इसमें कुछ नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो कुछ स्टेट लेवल पर। इन्हें क्लियर करने के बाद MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS इस तरह के कोर्स करके आप डायरेक्ट डॉक्टर बन सकते हैं। अब ये कोर्स कौन से हैं ये जान लीजिए। यानी अगर आपको एलोपैथिक डॉक्टर बनना है तो आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके MBBS कर सकते हैं। आपको डेंटिस्ट डॉक्टर बनना है तो आपको BDS कोर्स करना होगा। आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है तो आपको BAMS कोर्स करना होगा। यूनानी डॉक्टर बनना है तो BUMS कोर्स। वेटरनरी यानी पशुओं का डॉक्टर बनना है तो BVSC कोर्स करना होगा। और होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है तो BHMS का कोर्स आप कर सकते हैं। ये सभी कोर्स 4.5 से 5.5 साल की ड्यूरेशन के होते हैं, जिसमें आपका 3 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। तो इन तीन तरीकों से आप जीएनएम करने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। तो इन तरीकों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इससे संबंधित कोई सवाल है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो भी आप हमें नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।